हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 2-3 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग फ्रॉक बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने डबल बो लगा दी है, पाइपिंग हमने इसकी प्रिंट के फैब्रिक से मैच करके लगाई है। इसमें हमने 1.5 यानी 1.5 मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया है। 2 पीस यहाँ पर हमने योक के लिए ले लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई 9 इंच है। ऐसे हम डबल करते हुए इसको रख लेते हैं। शोल्डर हमें इसका 4 इंच रखना है और आर्म होल 4.5 इंच रखना है। ऐसे करते हुए हम इसमें सीधा निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमें इसको ऐसे चकोर कर लेना है। अब हमें इसमें यहाँ से 1 इंच का फिटिंग का निशान लगा लेना है और इस निशान को ऊपर तक मिला देना है। आर्म होल में हम गोलाई कर लेते हैं। नेक की चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है और लंबाई में ये हमें 3 इंच रखना है। हम बैक और फ्रंट साइड का नेक बराबर बनाएंगे। समर के मौसम में बेबी के थोड़ा डीप नेक बहुत प्यारा लगता है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हल्का सा हम ढालदार कटिंग करते हैं, इससे फिटिंग फ्रॉक की बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बैक नेक हम इसका 2 इंच कटिंग कर लेते हैं। 2 से 3 इंच आप नेक कटिंग कर सकती हैं। ये हमने पट्टी ले ली है जिसकी लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। बीच से इसको ऐसे कट कर लेते हैं और यहाँ पर रख कर हमें इसको लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 पीस बिल्कुल चकोर ले लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 24 इंच है और लंबाई भी 24 इंच है। बिल्कुल बराबर ये दोनों पीस हमें लेने हैं। अब हम इसको डबल कर लेते हैं इस तरीके से। एक बार और हमें इसको ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हम योग के हिसाब से इसको माप लेते हैं और इसमें निशान लगा लेते हैं। 3.5 इंच हमारा निशान बैठ रहा है। सब तरफ से हमें बिल्कुल बराबर 3.5 इंच पर ही निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को हम ऐसे करते हुए मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड की हमारी गोलाई कितनी अच्छी बैठ गई है। ये योग में बिल्कुल फिट आएगी। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये घेरा हमने अपना कटिंग कर लिया है। 2 पीस ये हमारे हो गए हैं। ये देखिए, इसको हमें ऐसे बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लेना है। चारों तरफ से ऐसे ही हमें इसको बिल्कुल बारीक सा फोल्ड कर लेना है और एक पीस को हमें उठाना है और इस तरीके से इसको कर देना है। आप देख सकते हैं अब दोनों साइड में हमारी ये नोक निकल गई है, कोने निकल गए हैं। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं और इसको मिला लेते हैं और हल्का सा कट लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी साइड किस जगह से आएगी। ये देखिए, जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये निशान मिलाकर हमारा घेरा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। हमारी ये नोक कोने आगे पीछे नहीं जाएंगे। ये हमने बो के लिए फैब्रिक ले लिया है। डबल बो हमें बनानी है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और ये लंबाई में 6 इंच है। ये रेब की पाइपिंग हमने लेनी है। फुल रेब की पाइपिंग हमें लगानी चाहिए, जिससे हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी सेट हो जाती है। 1.5 इंच की हमने पाइपिंग ली है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ऐसे ही हमने नेक और शोल्डर के लिए पाइपिंग कट कर लेनी है। ये हमारा बैक नेक है। पट्टी हम बैक नेक पर ऐसे रखते हैं और इस साइड में इसको पलट लेते हैं। अब हमें इसमें बीच में हल्का सा कट लगा देना है। इसको इस साइड में हम फोल्ड कर लेते हैं और इस पर सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से हमें इसको चकोर कर लेना है
और उसके बाद हमें दूसरी साइड में इसको मोड़ देना है। ये देखिए ये नेक हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी आर्म होल की आगे की साइड की फिटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो ये कटिंग कर सकती हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही बना सकती हैं। इससे आर्म होल की फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है फ्रंट साइड से। बैक साइड में ये हमें कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ फ्रंट साइड के पीस में करनी है। अब हम दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे हम स्लीव्स या पाइपिंग वगैरह लगाते हैं तो ये जल्दी से खुलती नहीं है। आर्म होल में हम ये पाइपिंग लगा रहे हैं, ये बैक साइड में हमें पाइपिंग लगानी है और फ्रंट साइड को पलटनी है इसको। अब इसको अंदर की साइड को हम फोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पाइपिंग चौड़ाई में ज़्यादा कटिंग करते हैं हम, और इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर लेते हैं, जिससे हमारी पाइपिंग थोड़ी सी टाइट हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। अगर आप इसका अंदर का कपड़ा कट कर देते हैं तो ये पाइपिंग अच्छी नहीं बैठेगी, और जो अंदर की सिलाई इसकी आई हुई है वो सब सिलाई हमें इसी पाइपिंग के नीचे दाब देनी है, क्योंकि अगर हमारी वो सिलाई दिखती है तो इसमें फिनिशिंग नहीं आती है, और अगर सिलाई दब जाती है तो पाइपिंग में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। आप धीरे धीरे से करके लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग इसी तरीके से बहुत प्यारी लग जाएगी। ऐसे ही हमने नेक में और दूसरे आर्म होल में पाइपिंग लगा कर तैयार कर लिया है। ये एक लुप्पी हम बना लेते हैं, छोटा सा पट्टी लेकर इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब आप बटन के हिसाब से लुप्पी को लगा सकते हैं। अगर आप छोटा बटन लगा रहे हैं तो लुप्पी छोटी लगा दीजिए, और अगर बड़ा बटन लगा रहे हैं तो लुप्पी को बड़ा लगा दीजिए। ऐसे इसको बैक साइड में खुले हुए नेक पर ऐसे रख लेते हैं और इस पर सिलाई लगा देते हैं। दो से तीन हम इस पर सिलाई लगा देते हैं ताकि अच्छी तरीके से पक्की हो जाए। यहाँ पर हम बटन लगा देते हैं और बटन को इसमें ऐसे कर देते हैं। अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से पक्का करते हुए हम दोबारा से इस सिलाई को पलट लेते हैं। ये घेरा हमने बारीक ऐसे करते हुए फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर इसमें सिलाई भी इसको लगा दी है। ये हमारा घेरे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये साइड में हमने कट लगाया हुआ है इसके। अब जो योग हमने तैयार किया हुआ है आप देखिए, बिल्कुल बराबर ये योग इस पर आया है। ऐसे करते हुए हम योग और घेरा एक साथ जोड़ देते हैं। ये देखिए ऐसे हमें इसको मिला लेना है और चारों तरफ इसके सिलाई लगा देनी है। ये हमने बो ली है, बो को हम इस तरीके से साइड में से 1 इंच की सिलाई लगा देते हैं। दूसरी साइड में से भी हमें 1 इंच की ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, और इस सिलाई का हिस्सा जो हमने सिलाई लगाई हुई है वो बीच में कर लेते हैं, और इसको साइड में भी ऐसे करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड में भी हम इसके ऐसे ही सिलाई लगा देते हैं। अब इसका जो बीच का खुला हुआ हिस्सा है उसमें को हमें इसको पलटना है। ऐसे ही हमें इसमें छोटी बो पर भी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए खुले हुए हिस्से में से हम बो को पलट लेते हैं। आप इसको किसी भी चीज़ की मदद से कोने निकाल सकती हैं, लेकिन अगर आप कैंची से निकाल रही हैं तो ध्यान रहे आपकी बो कटे नहीं, क्योंकि कैंची की धार बहुत तेज़ होती है, बहुत सी बार इससे कपड़ा कट जाता है। अब हमें इसको डबल कर लेना है और यहाँ पर इसमें निशान लगा लेना है सेंटर साइड में। यहाँ पर अब हमें इसमें चुन्नटें डाल देनी है। ऐसे करते हुए आप इसको हाथ की सुई की मदद से भी चुन्नटें डाल सकती हैं, अगर आपको मशीन की चुन्नटें डालने में परेशानी हो। लेकिन अगर आप मशीन से डाल रही हैं तो 2 से 3 बार हमें इसको पक्का करना है, छोटा कर लेना है, बीच का हिस्सा बहुत कम कर लेना है। अब दूसरी बो भी हमें ऐसे ही तैयार करनी है। सेंटर में हम इसके निशान लगा लेते हैं, और इसमें भी ऐसे ही हमें चुन्नटें डाल देनी है। ये देखिए हमने इस तरीके से इसमें चुन्नटें डाल दी हैं, और फ्रॉक के बीच में हम ऐसे करते हुए इसको लगा देते हैं सुई की, हाथ की सुई की मदद से, और इसके ऊपर बटन लगा देते हैं। ये बो लगा दी है हमने और इसके ऊपर बटन भी लगा दिया है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी ये पूरी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है।
फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय फ्रेंड्स।